हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश सिंगल, रिसर्च एनालिस्ट, और आपका स्वागत है हमारी डेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो आज हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल तो देंगे ही, साथ ही एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉक पिक देंगे और साथ ही साथ अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजारों की। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। आज निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी आज ओपन हुआ 9227 पर, और उसके बाद निफ्टी ने 100 पॉइंट से ज्यादा का एक गैप फॉल किया, और जिससे निफ्टी ने डे लो लगाया 9117 का। लेकिन उसके बाद एक बड़ी शार्प रिकवरी आई 200 पॉइंट से ज्यादा की, जो कि निफ्टी को 9347 पर ले गई, और उसके बाद निफ्टी एक 9350 से 9250 की रेंज में ही रहा, और फाइनली निफ्टी ने 9270 पर क्लोजिंग ली। कल के लेवल में बात करूं तो कल निफ्टी 9100 से 9400 की रेंज में रह सकता है, जहां पे कि 9350 से 9400 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है, जहां पे कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और 9100 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो तो आप बाई ना करें, लेकिन अगर कोई गैप डाउन गैप अप ओपनिंग हो तो आप सेल जरूर करें, क्योंकि हमारा व्यू उछाल पे बिकवाली का ही है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। आज की बैंक निफ्टी की बात करें तो आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ 19302 पर, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 19000 का लेवल ब्रेक किया और डे लो लगाया 18941 का। लेकिन उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई, जो कि 800 पॉइंट से ज्यादा की आई, और जिससे कि निफ्टी ने डे हाई लगाया 19807 का, और उसके बाद निफ्टी ब्रॉडली 19800 से 19500 की रेंज में ही रहा, और फाइनली निफ्टी ने 19695 के क्लोजिंग दी। कल के लगभग मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो कल हमें बैंक निफ्टी में 20200 से 19500 की रेंज में रहने का लगता है। ऊपर में 20200 एक मेजर रेजिस्टेंस लगता है, जहां पे कि अगर पहुंचता है बैंक निफ्टी तो वहां एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, और नीचे में 19500 एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर कोई गैप डाउन ओपन होता है तो आपको बाय नहीं करना है, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको सेल जरूर करना है। हमारा व्यू उछाल पे बिकवाली का है। अब बात करते हैं आपका पिक ऑफ द डे। आज का हमारा पिक ऑफ द डे है BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। करंट भाव इसका 64 रुपये है। इस स्टॉक को आप 62 रुपये के आसपास खरीद सकते हैं, और हमारा टारगेट प्राइस है 70 रुपये, जो कि लगभग 12% अपसाइड देता है अगले 15 से 30 दिन में। स्टॉप लॉस 59 रुपीज़ का है क्लोजिंग बेस पर। हमारा बाई प्राइस स्टॉक के सपोर्ट के प्राइस के आसपास है। साथ ही हमारा जो RSI है वो ओवरसोल्ड रेंज में है, और वो भी राइजिंग कर रहा है, और साथ ही स्टॉक ने एक डोजी बनाया था, तो हमें ऐसा लगता है ये सारे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे रहा है स्टॉक, तो इसलिए हम इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे दर्शकों के सवालों की। आज का हमारा दर्शक का सवाल है गणेश शर्मा जी का एशियन पेंट्स पर। इनका ये कहते हैं कि एक 2100 रुपये का टारगेट एंजल ब्रोकिंग ने दिया है, टारगेट कितने मंथ तक अचीव हो जाएगा। गणेश जी, ये स्टॉक अच्छे अपवर्टेन में, मंथली चार्ट पर अगर मैं देखूं, और स्टॉक पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1550 रुपये के आसपास मंथली चार्ट, जो हमारा ट्रेंड लाइन चार्ट है उस पर। बहुत अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के लिए भी, और हमारे ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से हमें ये लगता है कि अगले 12 से 15 महीने में 2100 रुपये का ये टारगेट प्राइस आ जाना चाहिए। बाकी अगर आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक को लेकर क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, और स्टॉक का नाम और स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप व्यू चाहते हैं, शॉर्ट टर्म के व्यू चाहते हैं, ये जरूर लिखें, जिससे कि हमें उत्तर देने में आसानी हो। साथ ही हमारे चैनल को देखते रहें और मुनाफा कमाते रहें। घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।